तो ये अपना पेंजिला 4400 मीटर एल्टीट्यूड 14000 फीट की हाइट पे, और ये भाई पेंजिला कर लिया। और क्या व्यू है भाई, सामने का व्यू देखो यार, गजब। ग्लेशियर का पानी बिल्कुल एकदम चिल्ड, और वो व्यू पॉइंट, वहां से व्यू पॉइंट देखने का बिल्कुल नजारे अलग है। तो फाइनली पेंजिला पास हमने कवर कर लिया, ज्यादा टफ नहीं है पेंजिला पास अगर हम किसी और पास से कंपेयर करें। काफी लोग बोलते हैं रोड खराब है, इससे इससे बेकार अपने पैचेस क्रॉस किए, ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो बहुत इजी प्रोसेस था। वो सामने नहीं भाई, इनका चैनल है ट्रैवल नाइन, ट्रैवलर नाइन, प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छे से ट्रैवल कंटेंट आपको और कंटेंट यूनिक कंटेंट मिलेगा, ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। जितनी आपको नॉलेज थी ना वो अच्छी नॉलेज मिलेगी एडवेंचर्स करके बारे में। वाह वाह वीर, पेंसिला से के सामने तो लेक बनी हुई अलग अलग, अच्छा लग रहा शांति तो यहाँ पे अच्छी, और ख़तरनाक व्यू है। तो बस अभी निकलते हैं यहाँ से, ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं ना, तो देखिए 2-3 घंटे और लगेंगे, तो चलते हैं यहाँ से। निकल रहा है घर घर, अरे वाह मैं ब्रदर कहाँ स्टे करोगे, कहाँ पे स्टे करोगे फिर? नहीं ऐसे श्रीनगर जा रहा हूँ। नहीं तो स्टे कहीं नहीं करोगे, बीच में रात को भी नहीं करोगे? समझा नहीं। स्टे 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 वहाँ पे चलता हूँ। कहाँ पे? रुंगद्रुम। कब तक पहुँचोगे? कितना दूर है यहाँ से? अरे तो बहुत दूर है भाई, देख लो। नहीं नहीं 25-35 चल 15 किलोमीटर तो पेंजिला है अभी। पेंजिला के पहला ही ना? नहीं 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 रंगदूम बाद में है, पेंजिला 15 किलोमीटर यहाँ से आप है ना, यहाँ पे एक ना वो आएगा NSCL का शायद गेस्ट हाउस है, क्या है वहाँ पर एक NSDC जो रोड बना रही है ना उनके बंकर टाइप है, वहाँ से कर लेना, बाकी आप पहुँच नहीं पाओगे शोरूम में, क्योंकि यहाँ से अभी अभी हमें ना 15 किलोमीटर आए हम लोग, 15 किलोमीटर बहुत ज्यादा हाइट पे जाके हैं पेंजिला पास, तो उससे तो बहुत आगे जाके हैं अभी रंगदूम पास होके रंगदूम बाद में रंगदूम 20 किलोमीटर रंगदूम 20 या 25 ऐसा कुछ है, तो क्योंकि ऊपर कुछ नहीं मिलेगा आगे आगे मेरे हिसाब से मुझे, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं करता। नहीं मैंने कहा देखो सुनो, मैंने देखा था 25 पे गाड़ी थी अपनी, 40 पे आ गया तो 15 किलोमीटर हो गया पेंजिला 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर जाने में आपको बहुत टाइम लगा। विलेज को मिल रहा तो आप जाओ या ट्राई कर सकते हो, बाइक होती तो मैं कहता ट्राई करो, ट्राई करता हूँ, ट्राई कर लो। हाँ पेंजिला मतलब रात में टॉप पे चो फिर 20 मिनट उतरना है। अच्छा अब देखो आप रात में अगर रंगदूम पहुँचोगे ना तो 12 से 1 बज जाएगी आपको, और एक ही गेस्ट हाउस है। हाँ वही हाँ मिलेगा नहीं आपको रात में, कैंपिंग सेटअप तो होगा आपके पास? तो फिर असली में ना तो इसमें रुक जाओ, यहीं पे NSCL वाले में रुक जाओ। हाँ। बहुत बड़ा सारा बंकर है, अंदर खाना वाना सब कुछ वहीं पे है, आपको कैंप लग जाएगा। अच्छा। तो यहाँ से मुश्किल से 2-3 किलोमीटर होगा। अच्छा। कहाँ से आ रहे हो आप? अरे वहीं पीछे पीछे से आते रहे, ठीक है।
ओके थैंक यू। तो ये भाई देखो, हम लोग जब आरती जब मिला था तो हम लोग कितना रुकते हुए गए, और उसके बाद अभी तक ये भाई यहीं पहुँचे हैं। और इनका प्लान है कि हम पेनजिला से भी आगे जाए, तो पेनजिला यहाँ से 15 किलोमीटर, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। तो जो जहाँ हमने खाना खाया था ये वहाँ रुक सकते हैं, और कोई दिक्कत है नहीं, वहाँ कैंप लगा सकते हैं अपना। शॉर्टकट है, ज़्यादा लंबा नहीं है, पर एक्सपीरियंस लेंगे। कच्चा रूट, पानी है भी पीने का। ये वाला है। हाँ दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो हम आ रहे हैं पेंजिला से। अच्छा, पदुम से पेंजिला, पेंजिला से पदुम वापस। अच्छा, सुबह की इधर नहीं रुका ना, और कोई लोग गया ना उधर पेंजिला में, वापस आ रहे हैं, बैठा उधर। वो जो दो बंदे नहीं बैठे हुए, दो तीन बंदे बैठे हुए थे। हाँ हाँ, उनकी बाइक खड़ी हुई, वो पता नहीं कहाँ है। कहाँ खड़ी हो उनकी बाइक? वो लास्ट वो आता है NSCLPL का, क्या आता है वो? हाँ, NSCPL। हाँ, उसके ऊपर चढ़ाई चढ़ते हैं, बीच में कहीं है गोम्पा के आसपास भी। NADCL, NADCL। अच्छा, NADCL। हाँ, इसके पीछे गांव में। नहीं नहीं नहीं, जहाँ से मेन, जहाँ से 10 किलोमीटर रहता है। हाँ, 5-7 किलोमीटर रहता है ना, पहाड़ी साइड होती है। हाँ, वहाँ पे वहाँ रुक गया शायद, पर उनकी बाइक खड़ी, वो नहीं खड़ते वहाँ। रुकने के लिए रूम दे दो बोलता है, वरना बता दे कि ये बता है। रुकने के लिए, रुकने के लिए रुकेगा। अच्छा, रुकने के लिए रूम दे दो बोलता है। अब कब? कौन सा गांव है वैसे ये? अब्रन। अब्रन, अब्रन। अच्छा, तो ये अब्रन गांव है, और ये छोटा सा कैफे। एक तो कुछ ऐसा व्यू है बाहर से इनका, शायद पेंजिला रेस्टोरेंट और अब्रान। बाकी रोड ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक हमें, और 30 किलोमीटर कवर किया है बाकी का। आगे रोड भी ठीक है, जैसे सुबह बता रहे थे कि भाई रोड बेकार है, पर इससे बेकार रोड तो हमने सिंगुला वाला किया है, पुणे वाला किया है। एक है अब्रान विलेज है, इस पर भी रूम्स अवेलेबल है 500 रुपये पर पर्सन। वो दोनों भाई पीछे रह गए हैं, नईम और जग्गी, उसी का वेट कर रहे हैं। तो पदुम पहुंच चुके हैं हम, और टाइम करीब हो रहा है 6:07, मतलब ऑलमोस्ट 8 बज गए। तो हम लोगों ने 5:30 बजे चले थे वहाँ से, तो 2.5 घंटे में हम लोग पेंजिला पास से पदुम आ गए। वाह, कंटिन्यू राइड करी, बीच में एक या दो बार लिया स्टॉपेज बस। और ये रहा हमारा होटल, मतलब पदुम में एंटर करते ही लेफ्ट साइड में होटल है हमारा, हिमालयन नाम है, क्या नाम है शायद। और अपनी बाइक लगाते हैं अंदर, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पदुम। और गुड मॉर्निंग फ्रॉम पदुम, और बस एक और राइड स्टार्ट कर रहे हैं। और आज थोड़ा डिले हो गया, क्योंकि थोड़ा सा कल हम लोग पेंजिला पास गए थे,
तो थोड़ा भाई का भाई को थोड़ी थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी वहाँ, क्योंकि थोड़ा सा हाई एल्टीट्यूड पे गए थे हम, तो थोड़ी वहाँ सांस की दिक्कत हो गई थी। अभी ठीक है वैसे, और अब ठीक है भाई, अब ठीक है। लेकिन ये जंस्कर आप आ रहे हो फर्स्ट टाइम, तो ध्यान से रहना, 80-85 के आसपास स्पीड रेट था, मेरा 75 के आसपास है। तो इसका इश्यू यह है कि हमने बहुत जल्दबाजी करी, हमने मनाली से एक दिन में सिसु लगा दिया, दूसरे दिन में करियक लगा दिया, थर्ड हम पदुम में रुक गए, समझ रहे हो। तो आप जब भी आ रहे हो तो धीरे से आराम से स्टे करें, फिर आए एल्टीट्यूड, हाँ मतलब वहाँ पर स्टे करके वहाँ का मतलब हो गया है, जबकि हमें आदत है राइड करने की बड़ी बड़ी, तो मतलब बीच में पहले स्टे ले लो, कोई मनाली वाला कहीं स्टे लो, उसके बाद जाके राइड करो। दो दिन मनाली, और कल हम लोग रहे पदुम से पेंजिला पास किया था, तो यहाँ से करीब करीब 78 किलोमीटर है, 13 किलोमीटर का पैथ बहुत अच्छा है, उसके बाद 68 किलोमीटर का पूरा ऑफ रोड है, और पेंजिला पे दो लेक है ही। तो अब यहाँ से वापस हम लोग पेंजिला होके ही रंगदुम होके और कारगिल जा रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा क्या एल्टीट्यूड का इशू नहीं रहेगा, थोड़ा कम हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि अभी लेह में ज़्यादा है, तो लेह में ना जाकर अभी थोड़ा सा कारगिल में करके रेस्ट, और लेह में कारगिल में रेस्ट करके फिर लेह के लिए निकलेंगे। तो अभी चलते हैं फिर। कल हम लोगों ने पेंजिला पास आए थे और वापस पदुम चल गए थे, और आज वापस पदुम से पेंजिला पास आए, क्योंकि नईम को एमएस का हो गया था इशू, तो अब हम कारगिल जा रहे हैं। टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं, पेंजिला पास से रंगदुम चलते हैं, और रंगदुम से पाने वाला होके सीधा कारगिल, तो यहाँ से करीब करीब 140 किलोमीटर और होगा, तो निकलते हैं। पेंजिला पास से करीब 25 किलोमीटर नीचे आके और रंगदुम की तरफ चल रहे हैं हम, और पहला गांव आया है तासी या कासी कुछ ऐसा गांव नाम इसका, तो थोड़ा सा उधर की तरफ है, पीछे की तरफ इस पहाड़ की तरफ पीछे है ये छोटा सा, मतलब जो मिट्टी है उस सामने की तरफ तासी गांव है, और बाकी का व्यू देख सकते हो आप, पूरा रेगिस्तान टाइप जैसा एकदम, बिल्कुल माउंटेन चारों तरफ, और उसके बीच में हम है, यहाँ से करीब 120 किलोमीटर और है कारगिल, तो करीब करीब 2-3 घंटा और लगेगा, तो 4:30 हो चुके हैं, 5:30, 6:30, 7:30 बजे तक पहुँचने चाहिए, या उससे पहले जहाँ तक है। पेंजिला पास से नीचे का एकदम रूट सेम बिल्कुल वही है, पत्थर वाला ही बिल्कुल सामान, मतलब ये कि डामर नहीं है, पर बाइक अच्छी चल रही है फिर भी उस पर, मतलब पूरा ऐसा बिछा रखा है ऐसा सेम रुपये रोडी वाला। तो ये रहा वो गांव सामने, और ये रहा कम्युनिटी हॉल बना हुआ है, शायद यहाँ पे स्कूल था, कम्युनिटी हॉल था क्या था, बस इतना से गांव के सामने जो भी है। ओ और यहाँ तो हेडपम्प भी लगा हुआ है, ये ऊपर मोनेस्ट्री है रंगदुम गोम्पा, अच्छा रंगदुम गोम्पा ऊपर की साइड, और इसके जस्ट बाद यही रंगदुम है, ये आ गया रंगदुम, मुश्किल से 7-8 किलोमीटर है था, तो लग बड़ा प्यारा रहा है, 7-8 किलोमीटर रांसी गांव जो था उससे था, और रंगदुम में भी जियो का नेटवर्क लगा हुआ है, तो जियो पोस्टपेड होनी चाहिए, पर पोस्टपेड वर्क करेगी यहाँ। पेंजिला से लेके यहाँ तक अच्छी रोड है, मतलब क्लियर एकदम रोड, कोई इतना ज़्यादा इसमें खराब रोड नहीं थी। रंगदुम कारगिल,
पूछना पड़ेगा, दो रूट निकल रहे, कौन सा रूट है? कारगिल, कारगिल ये, और ये कहाँ जा रहा है? पानीड़ा। वो बाइक वाला यहाँ गया क्या? नहीं, बाइक वाला, बाइक वाला नहीं गया, बाइक वाला। ट्रक भी आ रहा है वहां से। हाँ, यही रूट है। ये भी कोई गांव है, कौन सा है? यहाँ भी शायद 5-7 घर ही है, ज्यादा नहीं है। गांव का कोई नाम तो लिखा हुआ नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है पर मिटा हुआ है पूरा। माउंटेन से घिरा हुआ चारों तरफ से। क्या भाई, ध्यान कहाँ है भाई का? आज तो काम ही कर देता। और सीमेंट के टिक तो रखे हैं। तो हम लोगों ने कवर कर लिया है 121 किलोमीटर अभी तक, और पदुम से 230 किलोमीटर है, तो 100 किलोमीटर और हमें कवर करना है। और टाइम हो चुका है 4:55, मतलब 5 बज चुके, तो 100 किलोमीटर कंटिन्यू चलेंगे तो 2 घंटे में कवर हो जाएगा। प्राकचिक ग्लेशियर, नोन कोन टी स्टॉल। तो यहाँ से अपने को कारगिल के लिए भैया सीधा कारगिल। खाई लून पानी कर है पियो। अभी हम लोग पहुँचे हैं प्राकचिक ग्लेशियर, और ये सामने ग्लेशियर का व्यू है, और ये नीचे शुरू वाली है, मतलब जो नदी बह रही है इसका नदी का नाम शुरू वाली है। तो यहाँ से करीब करीब 10 किलोमीटर बाद और रोड स्टार्ट हो जाएगी, तो और मुश्किल से यहाँ से 60-70 किलोमीटर और होगा, तो कवर कर लेंगे। 6 बज चुके हैं, तो 1 घंटे बाद या आधा घंटे में रोड आ जाएगी पक्की रोड। और यहाँ का व्यू देख लें एक बार। प्राकचिक यहाँ से 20 किलोमीटर होगा, पर यह ग्लेशियर है, प्राकचिक ग्लेशियर यहाँ सामने, और शुरू वाली जा रही है यहाँ से। ये कुछ व्यू है यहाँ का। रोड आ चुकी है और बहुत जल्दी कारगिल पहुँचेंगे हम, बहुत जल्दी, और बहुत अच्छी रोड बना रखी है। तो ये है नज़ारे यहाँ के, करीब 25 किलोमीटर और यहाँ से बटाली, और हम लोग जहाँ से आ रहे हैं वो कारगिल से। कहाँ से आ रहे हो? हम तो इधर ही रहता है कारगिल में। कारगिल में रहता है? अच्छा, हम नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। मौसम खराब होने वाला है इधर। हाँ।